नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी दोस्तों मॉर्निंग का टाइम हो गया है और सब मॉर्निंग वाला जितना भी काम होता है ना, सब मैंने कर लिया है। और बस अभी मौसम आज एकदम ठंडा ठंडा हो गया, क्योंकि रात में ना रात भर बारिश हो रहा था और लाइट भी नहीं था। तो यहाँ पर बारिश आता है ना तो लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है इधर। तो लाइट कटा हुआ था, फिर उसके बाद मतलब कि फिर सुबह में आ गया था, रात में लाइट नहीं था, सुबह में लेकिन आ गया था। और बस ये क्या कहते हैं, अभी सारा काम वाम करके मैं थोड़ा सा फ्री हुई थी, मतलब मॉर्निंग का जो भी काम होता है सारा करके फ्री हो गई थी दोस्तों। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लेते हैं, और बातें करके तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, सारा पूजा वूजा करके और मैंने सोचा कि चलो अपना वीडियो भी स्टार्ट कर देते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग मतलब चलिए आ जाइए, आप लोग भी चाय पीने के लिए। तो मैं अभी जा रही थी चाय बनाने के लिए, तो चाय पीऊँगी और उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह बनाऊँगी। तो देखते हैं क्या ब्रेकफास्ट में बनाते हैं और क्या करते हैं। प्लीज़ दोस्तों आप लोग अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखिएगा, और प्लीज़ आप लोग देखिए वीडियो को, देखिए लाइक शेयर कमेंट करिए। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देखते नहीं है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो देखिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करिए तो अच्छा लगेगा मुझे। क्योंकि मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर लोग हैं तो वो लोग भी मेहनत करते हैं और मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ, और अकेले मेहनत करती हूँ। तो मैं आप लोगों का सपोर्ट चाहती हूँ दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट बनाइए मेरे साथ और प्लीज़ सपोर्ट करिए। बहुत उम्मीद से मैंने ये चैनल खोला है और बहुत इतने दिन से मैं किसी तरह से भी चला रही हूँ, और मेहनत तो उतना ही लगता है, लेकिन और आप लोग सपोर्ट करिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए आप लोग, और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं दोस्तों, तो आ जाइए आप लोग पहले चाय पीने के लिए आ जाइए। चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं दोस्तों। मैं किचन में आ गई हूँ और मैं ना आलू की भुजिया बना रही हूँ। तो बस ये देखिए, मैं भुजिया को ना छील के और काट पीट के मैं रख लेती, और अभी मैंने भुजिया को मैं मतलब हो गया है, थोड़ा मोड़ा बाकी है, ज़्यादा नहीं, आप देख सकते हैं। तो फटाफट से ना आलू की भुजिया बन जाती है, और आलू की भुजिया ही मैं बना ली हूँ फटाफट से। तो बस आलू की भुजिया बना दे रही हूँ, और आलू की भुजिया के साथ मैं देखते हैं रोटी खाना होगा तो रोटी सब खाएंगे, नहीं तो मतलब कि पराठे खाएंगे। और ना इधर मैं ना आलू बैठा दी हूँ चोखे उखा के लिए थोड़ा। और आलू की भुजिया के साथ मैं बना रही हूँ पूड़ी, छान दे रही हूँ। तो गर्मा गर्म पूड़ी और आलू की भुजिया और अचार वगैरह ले लेंगे, हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों, गर्मा गर्म पूड़ी मतलब छान दे रही हूँ, और अभी बहुत दिनों के बाद ही पूड़ी छान रही हूँ। अभी तो रोटी पराठा यही सब खा रहे थे, और आज मैं बहुत दिनों के बाद पूड़ी छान रही हूँ। और बस गर्मा गर्म एकदम छान के मैं रखते जा रही हूँ, और बच्चे लोग को भी देते जा रही हूँ दोस्तों। और भुजिया के साथ ना ज़्यादातर मेरे बच्चे लोग ना पूड़ी ही खाते हैं, पूड़ी और मतलब कि अभी आज और फिर बहुत दिनों के बाद भी मैं बना रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए एकदम गर्मा गर्म और फूला फूला है। और बस पूड़ी भुजिया अचार यही सब ले लेंगे, हो जाएगा। तो बस आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म पूड़ी खाने के लिए। इसके बाद लंच में बनाऊँगी दाल चावल ये सब।
दोस्तों आलू की भुजिया और पूड़ी और ये क्या कहते हैं यही सब ले लेंगे। और तो मतलब कि सब्जी अभी तो मैंने नहीं बनाया है, अभी सब बस भुजिया ही बनाया है, तो उसी के साथ हम लोग खा लेंगे। आप लोग भी आ जाइए दोस्तों और आके बताइए कैसा टेस्ट है। और बस ये देखिए, फिर उसके बाद खाना वाना खा के थोड़ी देर के बाद मैं मिल रही हूँ। तो मैंने दाल बना लिया है, चावल बिठा रही दोस्तों, और चावल बना दे रहे हैं गर्मा गर्म, और आलू की भुजिया दाल चावल है, अचार है, और देखते हैं और भी कुछ मन करेगा चोखा होकर तो चोखा बना लूँगी। और फिर दाल को तड़का लगा दे रही हूँ, तो दाल को तड़का बिना लगाए नहीं खाते हैं, सिंपल वाला दाल हम मेरे घर में कोई नहीं खाता है दोस्तों। और काम करते करते ना दोस्तों सुबह से शाम कब हो जाता है पता ही नहीं चलता, अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकलता है, लेकिन उसी में थोड़ा टाइम निकालना मतलब ज़रूरी है, तो थोड़ा टाइम निकालने की मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन देखते हैं कि टाइम नहीं मिलता है दोस्तों। आप लोग जानते ही होंगे जो मतलब कि जो मेरे तरह है ना, घर का काम करना, घर संभालना, ये सब, और फिर उसके बाद ना मैं उसी से टाइम निकाल के अपना यूट्यूब के लिए भी, चैनल के लिए भी कुछ थोड़ा मोड़ा मतलब करती हूँ। और आप लोग जानते ही हैं कि वीडियो में बनाना, एडिट करना, इस समय बहुत समय लगता है, बहुत टाइम लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्तों, ऐसे ही करके मैं किसी तरह से अपना मतलब चैनल बहुत मुश्किल से चलाती हूँ। और देखिए दोस्तों, जैसे कि सब लोगों के पास काम करने के लिए घर में बहुत लोग रहते हैं, मेरे पास कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपना मैनेज कर लेती हूँ। आ जाइए दोस्तों, खाना मैंने निकाल दिया है, दाल चावल आलू की भुजिया है और अचार पापड़ ये सब ले लेंगे अभी, तो अभी निकाल दिया है। और पापड़ वगैरह अभी नहीं छाना, तो अभी छानूंगी, और फिर उसके बाद खाना वाना खाने के बाद मैं चली बर्तन वगैरह साफ करने। तो बर्तन वर्तन धोना भी बहुत ज़रूरी है, बर्तन मतलब फिर मैं ना रखती नहीं हूँ, मैं ना धोते जाती हूँ, जो भी रहता है ना सारा काम मतलब फटाफट उसी टाइम कर लेती हूँ। तो मुझे दोस्तों ना बहुत आलसी जैसा हो जाता है, जैसे कि मतलब रख देने से ना होता है कि मतलब रख दिया तो रख दिया, फिर मतलब काम होता ही नहीं है। कभी ऐसा होता है ना कि कभी वीडियो वगैरह मैं नहीं बनाऊँ ना तो फिर नहीं बनाऊँ, मन ही नहीं करता फिर कि बनाओ। कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना पाती हूँ, चाहे या और भी कोई काम जैसे घर का ही काम है, तो मन ही नहीं करता कि फिर करो कुछ भी। तो बस अब यही सब दिक्कत है दोस्तों, आप लोग साथ भी ये सब दिक्कत होती है क्या? बहुत कोई का आदत रहता है, बारिश हो रहा है, देखिए बारिश हो रहा है तो कपड़ा सारा गीला ही रह गया और बस ज़्यादा कपड़ा तो धो ही थी, लेकिन सारा घर में ही इधर उधर चला हुआ है, और ये क्या कहते हैं बारिश होके पूरा गीला गीला हो गया पूरा भीगा हुआ। और सुबह से ही आज बारिश हो रहा है, आप लोग की तरफ कैसा मौसम है आप लोग बताइएगा जरूर। तो और ठंडा ठंडा एकदम मौसम हो गया, ठंड मतलब थोड़ा ठंड लगने लगा है, तो अभी दो तीन दिन से ना ठंडा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, लेकिन अब लग रहा है। और सारे पत्ते धीर गए हैं, देखिए सारे हरे 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 दिख रहे पत्ते, एकदम चमक रहा है पत्ता। तो बारिश होता है ना तो सारा मतलब गंदगी सब निकल गया इसी के। और मेरा भी सारा कपड़ा नहीं सूखा है, धूप ही नहीं हुआ था, सुबह से बारिश हो रहा था तो कहाँ से सूखेगा, इसीलिए। और मैं टमाटर के पौधे लगाए हुए ना, उसमें फूल दे रहा है, तो टमाटर जल्दी ही लगता निकलेगा, जब निकलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी निकला नहीं है फूल, उसका फूल आ गया है, लेकिन फूल आ जाने से मतलब होता है ना कि हो जाता है। और शाम का टाइम में अभी 5 शायद बज गया है, टाइम में देखती हूँ 5 बज गया वो। चलिए यहाँ कुछ कपड़े हैं, कुछ घर में हैं, सब जगह कपड़ा। शाम का टाइम हो गया दोस्तों, तो बस मैं चली रूम में और
फिर ना मैं मिल रही हूँ रात, मतलब रात जैसा थोड़ा हो गया था, जैसे शाम नहीं है अभी, तो ये ना लाए थे समोसा चाट, तो सब लोग हम लोग बैठ के खा रहे थे, और ठंडी ठंडी मौसम में ये सब खाने में बहुत मज़ा आता है। तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों, अभी ना मौसम एकदम अच्छा हो गया है, बारिश उरिश हुआ है, तो इसलिए हम लोग खा रहे हैं, तो आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को भी एंड करती हूँ। पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर करना भूलिएगा दोस्तों। बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए दिन के साथ, के शुरुआत के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, और बस बाय बाय दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब।